हम यहाँ रहते हैं, पेशेंट के बीच रहते हैं, कोई दारू पी के कैसे ड्यूटी करेगा? हम यहाँ दारू अस्पताल दलालों का अड्डा बन गया है यहाँ हमेशा। शैलेंद्र दीपक पर FIR हो और अविलंब यहाँ से उनको हटाया जाए। जिस तरह गार्ड को आदेश दिया कि मारो पीटो, फोन कहाँ से आ गया, इसको भगाओ यहाँ से, ठीक है, और लाठी डंडों के साथ मुझे मारने लगे और धक्का मुक्की करने लगे। अनुमंडल अस्पताल में चिकित्सक और भाजपा नेता की रार के बीच मरीज की हुई मौत, भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश। आपको बता दें, बीरपुर मुख्यालय स्थित अनुमंडलीय अस्पताल में एम्बुलेंस देने में देरी के चलते भगवानपुर के साहिबान निवासी 50 वर्षीय सियावती देवी की पटना में उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद मृतक परिजन और भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। जानकारी अनुसार शुक्रवार 2 फरवरी की देर शाम एक सड़क दुर्घटना में घायल 50 वर्षीय महिला को बीरपुर अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 की सदस्य अर्चना मेहता उर्फ किरण कुशवाहा सह भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने दूरभाष के माध्यम से नगर क्षेत्र के भाजपा युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष संजीत सिन्हा को घटना की जानकारी देते हुए समुचित उपचार की बात कही। सूचना पर संजीत सिन्हा अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे, तब तक घायल भी अनुमंडल अस्पताल पहुंच चुके थे। प्राथमिकी उपचार के बाद घायल को रेफर करने की बात कही गई। इस बीच भाजपा जिला उपाध्यक्ष अर्चना मेहता, सुशील मेहता, भवन मेहता और पार्टी के कार्यकर्ता भी अस्पताल पहुंचे। भाजपा शीर्ष मंडल का कहना था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए घायल सियावती देवी को सीधा दरभंगा भेजा जाए, जबकि अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर शैलेंद्र दीपक बीच में आते हुए आक्रोशित होकर कहने लगे कि यह हमारे अस्पताल का प्रोटोकॉल नहीं है। बाद में लगभग 1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद तत्कालीन प्रभारी DM और CS की पहल पर एम्बुलेंस को सीधा दरभंगा भेजा गया। इस दौरान डॉक्टर की नज़र जब भाजयुमो के नगर अध्यक्ष संजीत सिन्हा पर पड़ी तो वो आपे से बाहर हो गए और अस्पताल के गार्ड सुपरवाइजर मुकेश सिंह, गार्ड आशुतोष कुमार एवं अस्पताल में उपस्थित तत्काल दलाल को वहां पर उपस्थित संजीत सिन्हा को डंडे से मारकर भगाने की बात कही। डॉक्टर के आदेश मिलते ही उपस्थित संजीत सिन्हा को लाठी डंडे से मारते मारते अस्पताल से बाहर निकाला गया। इस घटना की चश्मदीद सुशील मेहता, अर्चना मेहता, भवन मेहता एवं CCTV फुटेज है। अपने बचाव में डॉक्टर शैलेंद्र ने बीरपुर थाने को लिखित आवेदन देकर संजीत सिन्हा पर प्राथमिकी दर्ज करवाई। वहीं दूसरी ओर पीड़ित व्यक्ति संजीत सिन्हा के द्वारा दिए गए आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। वहीं भाजपा नगर अध्यक्ष अभय जैन, बसंतपुर अध्यक्ष आशीष देव, जिला परिषद अध्यक्ष अर्चना मेहता, सुशील मेहता, चंदन देव, सुरेंद्र मेहता, पशुपति गुप्ता सहित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि संजीत सिन्हा के आवेदन पर 6 दिन बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं करना शर्मनाक है। डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं होने पर भाजपा कार्यकर्ता चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होंगे। ये घटना 2 फरवरी की है। 2 फरवरी की शाम को 7:30 बजे के आसपास अर्चना मेहता जी जो जिला परिषद सदस्य हैं, उनके क्षेत्र की एक महिला का एक्सीडेंट हो गया था और उस पेशेंट को उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल के लिए भेजा वहाँ से। उसी दरमियान उन्होंने मुझे कॉल किया कि मेरे क्षेत्र की महिला का दुर्घटना हो गया, आप हॉस्पिटल जाकर उनका इलाज करवा। तो उसके बाद मैं हॉस्पिटल पहुँचा। हॉस्पिटल में तब तक पेशेंट को रेफ़र कर दिया गया था। पेशेंट बहुत जख्मी थी, सर में उनका बहुत ज़्यादा चोट लगा था, तो रेफ़र कर दिया गया था। मैंने वहाँ रिक्वेस्ट किया कि इस पेशेंट को दरभंगा भेज दिया जाए सरकारी गाड़ी से। तो इसी बीच वहाँ के प्रभारी आए और उन्होंने कहा कि इस पेशेंट को मैं सुपौल भेजूंगा, सुपौल से ये दरभंगा जाएगा। इसी बात मैंने कहा कि दरभंगा क्यों नहीं जाएगा, दरभंगा ये पेशेंट बहुत सीरियस, सुपौल में नहीं हो पाएगा। मुझे ये बात कहते ही डॉक्टर ने गार्ड को आदेश दिया कि मारो पीटो, फोन कहाँ से आ गया, इसको भगाओ यहाँ से, ठीक है, और लाठी डंडों के साथ मुझे मारने लगे और धक्का मुक्की करने लगे मेरे साथ। आपके द्वारा क्या थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया है? मैं 6 दिनों से थाने का चक्कर लगा रहा हूँ, मेरे आवेदन को नहीं लिया जा रहा है और इसके कारण मैंने कोर्ट में नालसी दर्ज करवाया है। किसके खिलाफ? डॉक्टर शैलेंद्र दीपक और अन्य दलालों और गार्ड के खिलाफ। क्या नाम है आपका? मैं संजीत कुमार सिन्हा, नगर मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा के। देखिए, ये मामला 2 तारीख की है, शुक्रवार की, जिसमें एक साहेबान की महिला सियावती देवी जी रोड एक्सीडेंट में उनको सर में काफ़ी चोट लगी थी। वहाँ की स्थानीय जिला परिषद अर्चना मेहता जी के द्वारा उनको भेजा गया और संजीत जी को सूचना दिया गया, हम कुछ देर से पहुँचेंगे, आप जाकर उनका समुचित इलाज करवाएं।
उसी दरमियान संजीत जी भी वहाँ पहुँचे थे, और जो है डॉक्टर राम बाबू जी, उनका ऑन ड्यूटी डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे, उनके द्वारा उनको रेफर करने की बात कही गई थी। उसी संदर्भ में उनको सदर अस्पताल भेजने के लिए एम्बुलेंस की बात कही जाने लगी, जबकि परिजनों और जिला परिषद महोदय सबके द्वारा कहा गया कि सदर अस्पताल में कुछ होने वाला नहीं है इस मरीज का, इसीलिए इसको डायरेक्ट यहाँ से एम्बुलेंस से DMCH के लिए भेजा जाए, जिसमें डॉक्टर के द्वारा बहुत आनाकानी की गई। उसमें संजीत जी के द्वारा प्रेशर दिया गया जो नहीं, पहले भी यहाँ से एम्बुलेंस दरभंगा गई है, आप यहीं से एम्बुलेंस दीजिए। उसी पे वो पूरा जो है आक्रोश में आ गए शैलेंद्र दीपक, जबकि वो इलाज भी नहीं कर रहे थे। वो स्थानीय दलालों के द्वारा, अब जो कहिए, उनके मिलानी में रहते हैं बहुत ज़्यादा, और अड्डाबाजी होती रहती है उनको जो है। हो सकता है इनका एम्बुलेंस चलता है, कभी कभार उनके द्वारा कुछ मांग की गई हो और ये नहीं दिए हों, ये दोनों का आपसी कुछ मनभेद होगा, उसी के दरमियान उसका रोष इसी पर झाड़ दिए और गार्ड के द्वारा बुलाकर इसको धक्का मुक्की देते हुए लाठी डंडा से मार कर बाहर कर निकाल कर बाहर कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस क्रम में बहुत ही देर हो गई, बाद में जिला परिषद के द्वारा DM साहब के नंबर पर कॉल करके एम्बुलेंस के बारे में कहा गया। DM साहब तो नहीं थे, DM साहब के द्वारा CS को बताया गया, और वहां से फिर एम्बुलेंस मिलने के बाद पेशेंट को दरभंगा भेजा गया, वहां इलाज हुई, फिर वहां से पटना गया, जहां पटना में उनकी मौत भी हो गई है, जिसे उनके परिजनों के द्वारा मुझे बताया गया है। सारा खेल इस एम्बुलेंस के पचड़ा में हुआ है, जो 1.5 घंटा जो उसमें लगी, इसके कारण सारा कुछ हुआ है। मैं मांग करता हूँ, इसमें यह भी सुनने के लिए आ रहा है कि संजीत जी पर जो है शैलेंद्र दीपक के द्वारा जो है मामला दर्ज करवाया गया। जी मामला उनके द्वारा दर्ज कराया गया है, जो कि सरासर गलत है, निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। वो अपने बचाव के लिए मामला दर्ज कराए हैं, जबकि संजीत जी के द्वारा भी 3 तारीख को ही बीरपुर थाने में आवेदन दिया गया है। अभी तक मुझे जो पता चला है, अभी तक इनके आवेदन पे FIR नहीं हुआ है। ये सरासर प्रशासन की नाजायज बात है, अगर गलत पर आवेदन देके FIR होता है तो ये ऐसा ही आवेदन दिए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनका भी बिल्कुल FIR होनी चाहिए। डॉक्टर शैलेंद्र दीपक पर FIR हो और अविलंब यहाँ से उनको हटाया जाए, जिस तरह वो यहाँ अय्याशी और शराब का अड्डा बना रखे हैं अस्पताल को। यहाँ जो है ये अस्पताल दलालों का अड्डा बन गया है, यहाँ हमेशा जब आप जाएंगे तो पाएंगे कि अस्पताल में डॉक्टरों के चैम्बर में इर्द गिर्द में खाली दलाल ही घूमते रहते हैं। इन लोगों के द्वारा दलाली प्रथा को बहुत वो किया जा रहा है, जिसके विरोध में और निर्दोष के ऊपर केस किया जा रहा है। इसके सहयोग में हम लोग एक आंदोलन करेंगे, और अगर दीपक शैलेंद्र दीपक के ऊपर ये दलाली प्रथा को नहीं रोकेंगे और इसका केस वापस नहीं लेंगे तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, और दलाली प्रथा खत्म करने के लिए हम लोग चरणबद्ध अभी बीरपुर से लेकर पटना तक आंदोलन करेंगे। हमारा नाम अभय कुमार जैन, नगर अध्यक्ष भाजपा बीरपुर। सूरज, एक पेशेंट रेफर हुआ था, जो हमारे ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे डॉक्टर राम बाबू साहू, तो एक पेशेंट को रेफर किया गया था, और रेफर करने के बाद हम उधर से जब उधर इमरजेंसी में आए तो वहाँ पे पता चला कि हमको बोला गया कि सर इसको डायरेक्ट दरभंगा भेजना है। हम बोले ठीक है, दरभंगा जाएगा। एम्बुलेंस वाले को बोले कि भाई इसको लेके जाओ, तो बोला सर ACO को फ़ोन लगाना होगा, उससे उसको बोल देते हैं, परमिशन लेना होगा। हमने ठीक है, फ़ोन ACO को किया गया, ACO से ऑर्डर हो गया कहाँ जाना है, पेशेंट निकल गया। इसी बीच जो आप बोल रहे हैं, जो संजीत सिन्हा है, वो आया और हमको बोला कि तुमको हम देख लेंगे, और गाली गलौज करने लगा माँ बहन का। उसके बाद हम कुछ नहीं बोले, और साथ साथ में ये प्राइवेट एम्बुलेंस चालक भी है, ये बात आपको पता होना चाहिए। बस इतना ही मामला है और कोई मामला नहीं, जिससे हमको उससे कोई बहस ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है उस लड़के से। सर, भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जो भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष बीरपुर के, और कई खासी देव हैं जो बसंतपुर के हैं, उनका आरोप है कि अस्पताल में जो है आरोप लगा रहे हैं कि आपके द्वारा जो है अय्याशी की जाती है और शराब पी जाती है। सर क्या है बात? एकदम बिल्कुल बिल्कुल फजूल बात है, सत्य आरोप है ये सब।
जब हम यहाँ रहते हैं तो हमको ऑन द स्पॉट आके तो कोई पकड़े? हम यहाँ रहते हैं, पेशेंट के बीच रहते हैं, कोई दारू पी के कैसे ड्यूटी करेगा? हम यहाँ दारू पी के रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा मुंह महक रहा है? ये फालतू की बातें हैं, बेतुका बात है। डॉक्टर शैलेंद्र दीपक, डी एस।